जनाब सैयद फैयाज़ साहब ने सवाल किया है कि अभी जो मौजूदा हालात पूरी दुनिया में चल रखे हैं और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में महदूद हैं और रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, अब लोग घरों में ही नमाज तरावी वगैरह अदा कर रखे हैं, तो वो बंदा जिसे कुछ भी नहीं आता यानी कुरान शरीफ का एक सूरा भी याद नहीं है, तो वो नमाज तरावी किस तरह से अदा करेगा। देखिए जनाब फैयाज़ साहब, बहुत देर में ये सवाल किया गया, यानी जब हालात बिगड़े, मुसलमान अपने घरों तक महदूद हो गए और जब उन्हें ख़ुद नमाज़ें अदा करना पड़ रहा है अपने घरों में रहकर, तो इस सूरत में ये सवाल उठ रहा है कि अब कुरान शरीफ नहीं आता तो वो तरावी कैसे पढ़ेगा। सवाल भी किया गया तो तरावी के ताल्लुक से, जबकि सोचना ये चाहिए कि वो बंदा जिसे कुछ भी नहीं आता वो अपनी नमाज कैसे अदा करता होगा, जबकि हर मुसलमान के ऊपर कम से कम इतना कुरान शरीफ सीखना फ़र्ज है कि उसकी नमाज़ें हो जाएँ, यानी इतने सूरे उसे याद करना फ़र्ज है, दो चार पाँच सूरे के, जिससे वो अपनी नमाज़ें पूरी नमाज़ें पढ़ सकें और वो सूरे भी उसे कमा हक हो ना करत के साथ, जैसा कि उसका हक़ है, माँ यजुज़ बिह सलात, जितने में उसकी नमाज हो जाए इतनी करत के साथ उसे सूरे याद करना फ़र्ज है। जिसे कुछ भी नहीं आता उसके ऊपर फ़र्ज है कि वो आज से ही बिल्कुल सूरे वगैरह याद करना शुरू कर दे, किसी अच्छे पढ़ने वाले के पास, अच्छे हाफिज़ कुरान या अच्छे क़ारी कुरान के पास बैठें और तजवीद के साथ वो ज़रूरतन यानी चार पाँच सूरे जिससे उसकी नमाज़ें हो जाए उतने सूरे याद करें कि उसके ऊपर फ़र्द है, वरना वो गुनाहगार होगा और अगर कुछ भी नहीं आता तो उसकी नमाज़ें भी नहीं होती और क़यामत में उससे सख्त मुआखिदा होगा। या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी,